बस अभी मैंने मशीन लगा रखी है यार। मैं तुझे काफ़ी टाइम से यार मैंने कपड़े भी धोए नहीं थे और बस थोड़े बहुत थे वो हाथ से धो लेती थी, बाकी जो है तो आज मैं थोड़ी वेल्दी टाइप थी तो मैंने सोचा चलो यार मशीन लगा ही लेते, टाइम से कपड़े भी नहीं धोए तो इस वजह से मैंने मशीन लगा ली है। अब कपड़े धुल ही रहे हैं, बस ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही कपड़े रह गए, बेडशीट्स ही रह गई हैं बस धोने वाली, बाकी धुल ही गए हैं तो बस। और बाकी आपको पता है हमारे बीच में दो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और उनको आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से। एक तो देखो कहाँ छुपी हुई है, ये देखो एक मेरे कपड़ों में छुप गई है और बाकी एक हमारी वीडियो शूट कर रही है, तो चलो मिलवाते हैं उनसे। थोड़ा सा इंतज़ार करो गाइस, अभी आपको उनका उनका फेस रिवील हम करेंगे। रिवील तो हो चुका है, रिवील हो गया है मतलब, चलो दिखा देंगे आपको। तो गाइस दूसरे गेस्ट से मिलवाने की आप लोगों को बारी आ गई है, ये है दूसरी गेस्ट जो कि हेलो फ्रेंड्स। तो बस मैं आपको जिस दिन पहले मिली थी तो मैं अपने मतलब कपड़े धो रही थी और उसके बाद कपड़े वपड़े मेरे धुल गए थे, मैं फ्री हो गई थी और आपको जैसे मिलवाया था मैंने नोना काकू लाई हुई थी तो मैं उनके साथ इंजॉय कर रही थी। उसके बाद मेरी बच्चा पार्टी आ गई, मैं उनके साथ खेलने लग गई, उनके साथ इंजॉय करने लग गई। तो सॉरी गाइस मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो गई थी और मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, उसके बाद उनके साथ टाइम का ही निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैं मतलब आके अभी मैंने बस चेंज वेंज करा, उसके बाद सोचा थोड़ी व्लॉगिंग कर लूँ, हस्बैंड का वेट कर रही थी बट अभी तक हस्बैंड आए नहीं है। वैसे जैसे कि 9 बजे तक उनकी शॉप बंद हो जाती है, बहुत हद होता है कि मतलब कस्टमर्स आ जाए तो थोड़ा लेट हो जाता है उन्हें, तो आज में भी 9:40 हो गए अभी तक आए नहीं। मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, कस्टमर्स थे तो इसी वजह से। मैं कहा ठीक है, और बाकी उन्होंने कहा जब हम आएंगे तभी घूमने जा पाएंगे और वही कुछ खा पी के आते हैं बाहर से। मैं कहा ठीक है, तो बस अभी मैं रेडी हूँ, बस हस्बैंड का वेट कर रहे, देखते हैं अब कब आते हैं हस्बैंड, तो चलते हैं घूमने के लिए, फिर देखते हैं वहीं जाके मिलती हूँ मैं आपसे बाकी। हाँ क्योंकि यार इस टाइम पे ही होता है ना कि चल घूमने चले जाओ, मतलब मॉर्निंग से नाइट तक तो हस्बैंड मतलब काम पे जॉब पे जाते हैं, अपना हाउस वाइफ अपने घर पे होती है या जो जॉब करती हैं वो भी अपने मॉर्निंग से इवनिंग तक जाती हैं उसका घर का काम, तो इसलिए थोड़ा ये होता है ना कि बहुत प्रेशराइज कभी कभी हो जाता है और थोड़ा लगता है कि हाँ यार बाहर जाकर थोड़ा रिफ्रेशमेंट मतलब चाहिए होती है। तो बस इसी वजह से मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, बाकी कोई भी ऐसे मत लेना, मैं यही सजेस्ट करूँगी हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को मतलब रात में अपने घूमने के लिए या वॉकिंग पे या घूमने के लिए ऐसे ले जाना चाहिए। इससे क्या है कि थोड़ा अपना टाइम भी स्पेंड होता है, एक स्पेशल फील भी होता है और ऊपर से हम इतनी ढेर सारी बातें कर सकते हैं और वैसे तो घर पे भी कर लेंगे बट बाहर जाओ तो थोड़ा एक इंजॉय भी हो जाता है, रिफ्रेशिंग भी फील होता है और जो सुबह तक की रात की थकान होती है वो हट जाती है, अपनी इंजॉय करते हैं अपना अच्छे से, तो ये होता है। तो मैं तो खैर यही मतलब फील मतलब सजेस्ट करती हूँ कि हस्बैंड्स को वाइफ को ले जाना चाहिए नाइट में घुमाने के लिए, कि थोड़ा ये है कि अपना अच्छे से टाइम भी स्पेंड हो जाता है और जो भी माइंड में टेंशन होती कुछ होता है कि किसी भी वर्क मतलब ऑफिस वर्क का या लेडीज़ को घर के काम का तो वो थोड़ा देर के लिए मतलब ये होता है रिफ्रेशमेंट फील करती है, उससे रिलैक्स हो जाती हैं, तो इसी वजह से मैं तो यही वो करती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो डेली आते हैं और नाइट में हम लोग आपको पता ही एज यूजुअल हम डेली घूमने निकल जाते हैं, तो बस। और मे भी हो सकता है कि हम परसों कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आने वाले हैं, संडे को 14 मई को संडे को हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं, तो बस आप लोगों इसका इंतज़ार करिए। हम अभी नहीं बताएंगे, वो 14 डेट को ही आपको बताएंगे कि हम कहीं मतलब बस स्पेशल मतलब स्पेशल कुछ लेके आ रहे हैं, तो आप उसका वेट करना। ओके चलो अभी हस्बैंड आते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके चलो गाइस अब हम घूमने जा रहे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने नहीं मतलब पैक कराने जा रहे हैं, अभी आएंगे वैसे घर आके खाएंगे क्योंकि बाहर यार मज़ा नहीं आता, क्योंकि वह जगह बैठने की सीटिंग एरिया भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमने कहा बाहर से पैक करा लेंगे। वैसे नॉन वेज वगैरह लेने जा रहे हैं, हमने बाहर से पैक करा लेंगे, घर आके खाएंगे आराम से और बाकी रोटी वगैरह हम यहीं से पैक कर ले लेते हैं। अभी तैयार हो रहा है हमारा, देख सकते हैं सीटिंग एरिया अच्छा नहीं है थोड़ा, इसलिए हमने यार पैक ही करा लेते हैं, हम घर जाके खाएंगे आराम से। जी आ गई है हमारी लस्सी, हमने वहाँ से जाके हमने चिकन भी पैक कराया था, उसके साथ हमने सोचा कि रात को मीठा खाते हैं मीठे के लिए, इसलिए हमने
पास है लस्सी पैक करा। गाइस ये आ गई हमारी लस्सी, हमने रबड़ी वाली लस्सी पैक कराई है। एक सादा वाली भी थी इसलिए हमने रबड़ी वाली लगाई। रबड़ी वाली अच्छी भी लगती है और टेस्टी भी लगती है काफ़ी अच्छी। और जहाँ से हम लाया यहाँ की बरेली की फेमस लस्सी है ये, देख सकते हैं गाइस टेस्टी वाली आ गई। मेरी भी रबड़ी वाली है गाइस, मैंने भी रबड़ी वाली ली। चलो जल्दी से खाते हैं।